Hello viewers, this is your host Yanis Kalash, and today we are going to take an interview with indigenous Kalasha girl. So let's get started. So sabse pehle aap apna naam bataiye. Mera naam Kiran hai aur mera taluk Gom se hai. Achha, to Miss Kiran, to aap kya karti ho? Main padhai karti hu. Achha, kaun si class mein? First year. Wow. To kya kehna chahoge, kis tarah life spend hoti hai is valley mein? वैली में बहुत अच्छी तरह हमारी लाइफ स्पेंड हो रही है। अच्छा, आपको शहर में पसंद है या वैली में? नहीं, हमारी वैली में पसंद है मुझे तो। अच्छा अच्छा, बताए घर में कौन कौन है? घर में माँ, बहन और भाई। अच्छा, सही हो गया। तो आप अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताइए, कितने अरसे में तैयार होती है ये? तकरीबन 5 दिन में। 5 डेज? अच्छा, खुद बनाती है बाई करती है? हम खुद बनाते हैं। अच्छा, मुश्किल है आसान है? आसान है। अच्छा, आप फेस्टिवल्स के बारे में बताइए। मतलब एक तो मई में होती है और दूसरा अगस्त में और तीसरा दिसंबर। अच्छा, आपको कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे तो सबसे ज्यादा क्या चल नहीं, चित्रमास। अच्छा, चित्रमास, वंडरफुल। तो बड़े होकर क्या बनने का इरादा? बड़े होकर मुझे आर्मी बनने का इरादा है। आर्मी ऑफिसर? वाओ, दिस वंडरफुल जॉब। और अच्छा, जब यहाँ पे बर्फबारी पड़ती है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ती है? बर्फबारी पड़ती तो लाइट और वाटर। अच्छा, इन ये दो जो बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस। लकड़ी लकड़ी, हाँ बिल्कुल, -8 से भी ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर, तो लाइफ स्पेंड करना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आपको बर्फबारी पसंद है? हाँ, बर्फबारी मुझे बहुत पसंद है। बर्फबारी में ज़्यादा मज़ा आता है समर के टाइम? बर्फबारी में भी और समर के टाइम में भी। अच्छा, आप टूरिस्ट के बारे में एक पैगाम दो कि वो जब यहाँ आए तो उनका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए। टूरिस्ट जब हमारे व्यूवर्स जब कैलाश वैली आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई पैगाम दे दो कि वो किस तरह यहाँ पर अपना जो है जर्नी स्टार्ट करें, किन बातों का ख्याल रखें कि ये करें और ये ना करें। और तुम यहाँ कर अपने मर्जी में पिक ना निकाले और वगैरह वगैरह वीडियो भी ना करें। लाइफ में और मुझे घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पहाड़ी। पहाड़ी इलाके? हाँ। कश्मीर, मरी, स्विट्ज़रलैंड? हाँ हाँ, ये सब। वाह, इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे एक ना एक दिन। हमारे व्यूवर्स में कोई अगर स्पॉन्सरशिप दे दे तो हम घूमने भी जा सकते हैं और आपके लिए एक शानदार वीडियो भी बना सकते। अच्छा, खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में तो मुझे चावल पसंद है। चावल और नहीं। यहाँ का कोई ट्रेडिशनल डिश होगा जो यही बनता है और कहीं नहीं? हमारे यहाँ बनता है मसाऊ। अच्छा, मसाऊ खुश ताकि की अगवान। मीट ब्रेड और मुझे मीट ब्रेड भी पसंद है। अच्छा, मीट ब्रेड जो कैलाश का ट्रेडिशनल ब्रेड होता है। हाँ, वही। तो किस तरह बनती है वो मीट ब्रेड, जरा हमारे व्यूवर्स को भी बताइए। छोटी गोश्त या किस तरह बनाते? गोश्त को पीस कर के बनाते हैं, मिक्स करके। हाँ ना, गोश्त को पीस कर बनाते हैं, छोटी छोटी टुकड़े करके और फिर उसे बनाते हैं। क्या नाम दिया था उसका? आटा गूंथ के। हाँ, तो आजकल सोशल मीडिया में आजकल एक बात जो है वो बहुत गर्दिश करती है कि कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ कर वीडियोस बनाते हैं कि कैलाश लड़की को हर माह घर से बाहर निकाला जाता है और कहीं दूर जाके उसको फेंक दिया जाता है। तो हालांकि यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल हाउस बनाया जाता है जहाँ पर वो हॉलीडेज़ के तौर पर वहाँ पर अपनी लाइफ को इंजॉय करती है। उनको एक टाइप का हॉलीडे मिलती है और अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग का टाइम मिलती है। तो इस बारे में आप ज़रा व्यूवर्स को बता सकते हैं? अच्छा सुराय बीबी, तो अपने यहाँ पर जो है कैलाश जो है मैरिज किस तरह करती है, इस बारे में थोड़ा आप ऑडियंस को बता सकती हो? अच्छा, हमारे यहाँ मैरिज इस तरह करते हैं कि जब लड़की और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर वो अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं। अच्छा, माँ बाप को कोई इतराज़ नहीं होती? नहीं, माँ बाप को क्या इतराज़ होगी जब लड़की और लड़का राजी हो गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, तो ये बताओ कि जब कोई कैलाश अपना कल्चर को छोड़ती है जो कि इतना यूनिक और ब्यूटीफुल कल्चर है जो कि दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, तो जब एक लड़का इस या लड़की इस कल्चर को छोड़ती है तो उनके माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उन पे क्या बीतती है, वो क्या फील करते हैं?
जब लड़का लड़की अपने कल्चर या लड़का अपने कल्चर छोड़ देती है तो माँ बाप पर बहुत बुरा हाल गुजरती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब वो इस स्टेज पर पहुँचते हैं तो वो उन्हें छोड़ कर चले जाते। हम जो है कैलाश के जो है न्यू जनरेशन है, यूथ है हम, तो हमको अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए क्या एकदम उठाने चाहिए आपके ख्याल में? हमें अपने कल्चर के बारे में स्टडी करना चाहिए और दूसरे कल्चर के बारे में भी स्टडी करना चाहिए और ताकि हमें पता चले कि दुनिया में कौन सा कल्चर अच्छा है और कौन सा कल्चर बुरा, ये सब स्टडी। जबरदस्त। अच्छा तो सुरेश बीबी आप ये बताएं कि जब कोई टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उनको किस तरह उनको यहाँ पर रहना चाहिए? जब वो यहाँ आए तो उन्हें इस तरह रहना चाहिए कि जो बिना इजाज़त में किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए और फिर फोटो भी नहीं निकालना चाहिए बिना इजाज़त में। और गंदगी भी नहीं फैलाना चाहिए, यहाँ अच्छी तरह से रहना चाहिए। और वो ये सोच करना है कि कैलाश लड़कियाँ फ्री है, वो अपने मॉल में फ्री है और दूसरों के लिए फ्री नहीं है कैलाश लड़की। सो व्यूअर्स, ये थी हमारा आज का इंटरव्यू सुराय बीबी के साथ। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। टेक केयर।